अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाई स्टैंड फाइकस की, जिसको मैं अपने बॉन्साई पॉट में शिफ्ट करने वाला हूं। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक पौधा लगा हुआ था मेरा बॉन्साई, जिसकी रूटिंग जो है गल चुकी थी। चलें देखें, हम इसे शिफ्ट करते हैं। बॉन्साई पॉट और पौधे को जो है कोशिश किया करें, ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है इसे, तो जितनी धूप मिलेगी इतना अच्छे से ग्रो करेगा। खासकर जो फाइकस प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, इंडोर भी रह सकता है, आउटडोर भी। इंडोर के लिए से ये है कि हल्की फुल्की भी सनलाइट, जैसे आपको आधे घंटे के लिए जो है मैं सनलाइट में रखना होगा। मेरा फाइकस प्लांट है, इसकी रूटिंग जो है, क्योंकि मैंने इसे दूसरे पॉट से चेंज करके इसमें लगाया था, इसकी सॉइल जो है सिंपल सॉइल है, नॉर्मली गार्डन सॉइल जिसे कहते हैं। और इसकी केयर के हवाले से बात करूं तो फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें इसे ओवर वाटरिंग ना करें, ज़्यादा पानी इसे ना दें। ज़्यादा पानी देंगे इसकी रूट्स गल जाएंगी और ये सरवाइव नहीं कर सकेगा। ये हमने बॉन्साई आइसलैंड फाइकस को बॉन्साई पॉट में शिफ्ट कर लिया है। मज़ीद देखते हैं कि ये इसमें चल जाता है तो अच्छी बात है। सिंपल सॉइल यूज़ कर रहा हूँ इसमें, मैंने कोई ऐसी चीज़ कोई खाद वगैरह नहीं डाली। कम से कम थोड़ा सा इसमें गैप रखा करें, वरना पानी इसके साइडों से ऊपर से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।